से मिलते जुलते डुप्लीकेट घी बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत आदर्श नगर और मांगलियावास थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर पालरा औद्योगिक क्षेत्र और सराधना इलाके की फैक्ट्री में दबिश दी, जहां से लगभग 500 से 700 किलो सरस घी जब्त किया गया। यह घी अजमेर डेयरी द्वारा संचालित सरस घी की हूबहू नकल तैयार कर सरस के नाम से बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। आरसीडीएफ के प्रबंधक दामोदर सिंह देवल ने मीडिया को बताया कि श्री श्याम फूड प्रोडक्ट द्वारा सरस ब्रांड के घी का 2 हफ्ते पहले संपूर्ण राजस्थान में अखबारों के माध्यम से प्रचार किया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग में घी के पैकेट और लेबल जब्त कर बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। ब्रांड से मिलते जुलते हुए जो पैकिंग मटेरियल्स में जो घी सेल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हमको ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत कार्रवाई कराई जा रही है। ये आरसीडीएफ द्वारा यानी कि सरस से मिलते हुए जो पैकिंग मटेरियल्स में जो घी सेल कर रहे हैं, तो सरस ने यानी एक वाद दायर किया सरस के खिलाफ, जो वाणिज्य न्यायालय जयपुर में ट्रेडमार्क अधिनियम के वाद दायर किया गया था। उसके अंतर्गत यानी कि कोर्ट के आदेश के तहत यानी कि नियुक्त किया, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया, उसमें दिनांक 17/3 को रविवार को दिन यानी कि अजमेर में पालरा और सराधना में श्री श्याम फूड प्रोडक्ट और श्री सेठ सांवरिया जी के वहाँ छापा मारा गया। तो वहाँ काफ़ी मात्रा में सरस से मिलते हुए जूते पैकिंग में घी की पैकिंग पकड़ी गई और घी पकड़ा गया। आरसीडीएफ ने इसकी कार्रवाई के लिए ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए किया गया था। इस कार्रवाई में यानी कि आरसीडीएफ से दामोदर सिंह जी भी पधारे, अजमेर डेयरी से मुकेश पलोड़ा जी भी आए, आरसीडीएफ के अधिवक्ता हर्षवर्धन सिंह जी भी आए और पुलिस जब्तक के तहत इसके तहत कार्रवाई की गई। हमसे मिलता जुलता पैकिंग मटेरियल में घी सेल नहीं करें हमारी पैकिंग।